अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। आई होप दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेहेवियर। आई होप आई मेड इट क्लियर फॉर यू एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर फॉर यू नाउ एंड यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड आई मेड इट ईजी फॉर यू। इफ यू लाइक आवर वीडियोज, इफ यू लाइक दीज वीडियोज एंड लेक्चर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोज विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो यहाँ पर लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में बताया जा रहे हैं कि फैक्ट्स हैं कुछ, जैसे कि टू लोब्स हैं जो कनेक्ट होती हैं कमिशियर से। ये शुरू से ही हम पढ़ रहे हैं। कॉर्पस कैलसम होता है जो कि दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट कर रहा होता है। एंड देन फैक्ट टू है, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस होते हैं। फैक्ट है देयर इज कॉपरेशन एंड एज वेल एज कम्पिटिशन बिटवीन द टू हेमिस्फेयर। और देन फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट है मार्क डेक्स, उसकी प्रेजेंटेशन थी इस रिपोर्ट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ ब्रेन और ऑटोप्सीज इन अ कॉन्फ्रेंस। एंड देन पॉल ब्रोका है, उनकी उनका क्या रोल था। एंड देन फर्निक्स है, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एंड देन ब्रेन हेमिस्फेयर, टू ब्रेन्स और वन, तो ये मेजर नेम, यानी जो हेमिस्फेयर हैं दोनों वो कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं या कंपटीशन में काम कर रहे हैं। तो दोनों हेमिस्फेयर जरूरी हैं और दोनों की अपनी अपनी एक फंक्शनिंग है और दोनों ही इनकम्प्लीट हैं एक दूसरे के बगैर। तो ये कमिशियर या इससे स्टडी जो है स्प्लिट ब्रेन प्रोसीजर, इस तरह हम इसको स्टडी करते हैं कि जो जो राइट हेमिस्फेयर है वो किस में इन्वॉल्व है एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है। एंड देन डिसऑर्डर्स हैं कुछ, अगर इनमें एक भी जो है वो हेमिस्फेयर में डिसऑर्डर होता है तो उसमें जो फंक्शनिंग है आपकी वो कितनी वो इफेक्ट होगी उससे। तो ये चीज़ है। एंड देन ब्रेन लेटरलाइजेशन है, एग्जिस्ट टू हाफ्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर नॉट एग्जैक्टली लाइक, तो ईच हेमिस्फेयर दोनों जो है वो बिल्कुल सेम नहीं है और जो हर हेमिस्फेयर हैज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है उनकी। तो कुछ जो है वो एक परफॉर्म करता है और कुछ जो है वो दूसरा परफॉर्म करता है। तो दैट्स वे जो है वो दोनों कंबाइन ही फंक्शन कर रहे हैं। फिर हैंडेडनेस है, हैंडेडनेस जैसे लेफ्ट हैंडेड है कुछ लोग और कुछ राइट हैंडेड हैं, तो इसमें भी आपके जो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। एंड देन कुछ टेस्ट हैं इसमें, हार्स टेस्ट है लेटरल डोमिनेंस का, कि जो आपके जो कौन सा डोमिनेंट है, बॉडी पार्ट या फुट है दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है, या आई है या ईयर है तो ये, या हैंड्स हैं तो कौन सा डोमिनेंट है, तो ये टेस्ट यूज़ किया जाता है इसके लिए। एंड देन हाउ डू वी एक्सप्लेन एसिमेट्री, यानी हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है, या कौन से फंक्शंस हैं जो कि मिलते जुलते हैं या कौन से फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट हैं। एंड देन टेस्ट फॉर लैंग्वेज एंड अदर फंक्शंस, यहाँ पर लैंग्वेज के कुछ टेस्ट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाडा टेस्ट है और इसमें नेक्स्ट है जीडल लेंस, और ये MCQs में भी इंपॉर्टेंट है आपके, और डाइकोटिक लिसनिंग टेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जिसमें आप टेस्ट करते हैं आप दोनों कानों में जो है वो एक कोई वर्ड्स या कोई स्टिमुलस या वर्ड्स वगैरह देते हैं, लेकिन जो कान जो है वो डोमिनेंट होगा वो ज़्यादा उस चीज़ को लिसन करेगा और वो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये यूनिलेटरल नेगलेक्ट है, यूनिलेटरल सेंसरी नेगलेक्ट है। फ्रंटल लोब है, ऑर्बिटो फ्रंटल, यानी फ्रंटल के लोब के कौन से एरियाज हैं, और यहाँ पर जो फ्रंटल लोब में अगर डैमेज होता है तो वो क्या उसमें डिसऑर्डर कौन सा होता है, तो ये इस इम्पॉर्टेंट केस था यहाँ पर। फिनियस गेज का जो केस हम शुरू से स्टडी कर चुके हैं, फिनियस गेज का यही केस था, ऑर्बिटो फ्रंटल का एरिया उसका डैमेज हुआ था जिसकी वजह से उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो चुकी थी, और वो एक पहले अच्छी पर्सनैलिटी थी उसके बाद वो एक बुरा इंसान बन गया। तो ये ऑर्बिटो फ्रंटल डैमेज का जो है एक उन्होंने बताया है एक एविडेंस था। एंड देन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें लूरिया है और ये फादर ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी है, इन्होंने डिवेल्प किए थे टेस्ट को जिसमें आप वो डिफरेंट एबिलिटीज जो है उसमें चेक करते थे और वो हैंडेडनेस भी चेक करते थे कि कौन सा हैंड डोमिनेंट है। एंड देन लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी है। एंड देन हॉस्टर रेडन बैटरी है, और हार्स टेस्ट ऑफ लिटरलिटी है कि कौन सा जो है हेमिस्फीयर क्या काम करता है, क्या एक हेमिस्फीयर काफ़ी है, और इसमें डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इस पर। एंड देन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, और रेफरल्स फॉर न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स आर स्ट्रोक पेशेंट्स, हेड इंजरी पेशेंट्स हैं, चिल्ड्रन विद स्लो डेवलपमेंट, डिफिकल्टीज इन स्पीच, अटेंशन और लर्निंग, क्रॉनिक अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूजर्स। तो ये जो रेफरल्स हैं, यानी इन लोगों को रेफर किया जाता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। एंड सम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं जिसमें हॉस्टर है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी है, लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी है। एंड देन कोर्स रिकैप, यानी जितना भी हमने स्टडी कर लिया है आपने बस उसको एक रिकैप करना है, और इसमें कोई क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा। सो इफ़ यू वांट टू डू, इफ़ यू वांट टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर अगेन, या तो फिर आप इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम्स में इसका कोई कनेक्शन नहीं है।
और दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द बुक एंड दिस वॉज योर लास्ट लेक्चर और आई होप आई मेड इट क्लियर. और आपकी जितनी भी आपकी तैयारी जो है फाइनल टर्म के लिए बहुत अच्छी होगी. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.